कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कभी विकास की बात नहीं की, लेकिन पूरे कर्नाटक को विकसित करके बता दिया कि विकास क्या होता है। कर्नाटक में कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति है वो सिद्धरामैया जी ने बता दिया। आज कर्नाटक का नागरिक 12 तारीख का जब फैसला करे तो उसको सोचना है कि क्या हमें कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार चाहिए या उत्तर प्रदेश जैसी सरकार चाहिए। कर्नाटक की जनता को यह सोचना चाहिए कि क्या हमें कर्नाटक की आज की जो सरकार है ऐसी सरकार चाहिए या मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले से लेकर साधुओं को मंत्री बनाने वाली सरकार जैसी सरकार चाहिए। क्या हमें समझदार लोगों की कैबिनेट चाहिए, मुख्यमंत्री चाहिए, या त्रिपुरा जैसा मुख्यमंत्री चाहिए जो लोगों को पान के गले लगाने की बात करता हो। और जब ये बात का फैसला लोग कानून और व्यवस्था के ऊपर सोचेंगे, लोग दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के बारे में उनके हालात के ऊपर सोचेंगे, लोग व्यापार की बात सोचेंगे, लोग उद्योग की बात सोचेंगे, तो लोग जरूर फैसला करेंगे कि अगली सरकार भी सिद्धरामैया जी की ही होनी चाहिए और किसी की सरकार की हमें जरूरत नहीं है, ये एहसास उनको हो जाए। आज शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य की योजनाएं, उनकी सुविधाएं और दुनिया की तमाम चीजें आप देख लीजिए कि बैंगलोर को देखने के बाद में या कर्नाटक के दूसरे बड़े शहरों को देखने के बाद में किसी को भी एहसास होगा कि हाँ, सरकार हो तो ऐसी हो, व्यवस्था हो तो ऐसी हो, कानून और व्यवस्था हो तो कर्नाटक जैसी हो और मुख्यमंत्री हो तो सिद्धरामैया जैसा हो। ये सोच हर एक नागरिक के मन में आएगी और लोगों की जो बातें हैं वो बातें, इधर उधर की बात करने वाले लोग जो यहाँ आकर करते हैं, चिल्लाते हैं, शोमैनशिप करते हैं, झूठ बोलते हैं, अरे एनडीए ने तो सरकार ही पूरे मुल्क में झूठ बोलकर खड़ी कर दी। मेरे देश की जनता तो बिचारी इमोशनल और सिंपल है, उसको गुमराह कर दिया। वरना इस देश में गांधी के मानने वालों की सरकार बने, गोडसे के मानने वालों की सरकार इस देश में नहीं बन सकती। और फिर आप सोच लीजिए कि कर्नाटक में निश्चित रूप से कांग्रेस की ही सरकार बनेगी और कर्नाटक का अल्पसंख्यक, कर्नाटक का दलित, कर्नाटक का व्यापारी और कर्नाटक का यूथ, उस सभी लोग राहुल गांधी पर, हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी जी पर विश्वास करते हैं। उनके आह्वान पर दिल्ली को भर दिया था, आज उनके आह्वान पर कर्नाटक को जिता के बताएंगे और ये जीत राहुल गांधी जी की जीत होने वाली है, मैं निश्चित रूप से मानता हूं।